हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.919। ठीक है, फिगर दिया आपको, कहा गया है कि एरिया निकालो शेडेड रीजन। ठीक है, कैसे निकालोगे, इफ पी क्यू इज इक्वल टू, देखो ये पी क्यू की जो लेंथ दी गई है आपको, ये लेंथ दी गई है आपको 24, PR की, P और R की लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर, और देखकर ही पता चल रहा है अगर O सेंटर है और QR एक सेकंड है तो ये डायमीटर हो जाएगी, है ना। सेकंड है और सेकंड का जो मिड पॉइंट है अगर वो सेंटर हो तो सीधी बात है, या कोई भी सेकंड या कॉर्ड सेंटर से पास होती है तो उस कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं, राइट, सीधी बात है। तो ये हो गया आपका डायमीटर। ओके, तो मुझको बताओ दो साइड दिए, तीसरा साइड निकल जाए तो आप इसका एरिया कैसे निकालो, पहले वो सोचो। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सेमी सर्कल का, हाफ सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सही है, फिर हमको शेडेड रीजन मिल जाए। तो हाफ सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस तो पता चाहिए, रेडियस चाहिए पता, तो कैसे निकालोगे। देखो एक कॉन्सेप्ट हमने नाइन्थ में पढ़ा है, अगर कोई भी सर्कल हो ये वो सर्कल है, ठीक है, जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर उसने मान लो ये आपने ऐसा डायमीटर बनाया, तो डायमीटर में जो यहां पर अगर मैं लू नाम ले लेता हूं ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, ये आपका सेंटर ओ, तो डायमीटर ने क्या सर्कल के ऊपर जो भी एंगल सबस्टेंड किया होता है डायमीटर ने, ठीक है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, कोई भी एंगल ले लो, ये ले लो, ये भी 90 डिग्री रहे, ये हमने नाइन्थ में पढ़ चुके। या तो मैंने आपको ट्राइंगल्स में याद बताया था कि जो ये आपकी क्या इसको क्या कहते हैं आप, आर्क, आर्क ए बी ने जो एंगल सबस्टेंड किया होगा सेंटर पे वो इक्वल होता था मेजर ऑफ आर्क के, और जो एंगल सबस्टेंड किया होगा सर्कल के ऊपर वो होगा हाफ, है ना। अगर इसका मेजर 2x होगा तो एंगल का मेजर होगा इसका हाफ, हाफ 2x का हाफ कितना होता है x, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझको बताओ अगर ये सेमी सर्कल है, ए बी जो आर्क है वो सेमी सर्कल की आर्क है ना, सेमी सर्कल है पूरा, तो उसका मेजर कितना होगा फिर 180 डिग्री, क्योंकि टोटल जो मेजरमेंट होता है आर्क का, सर्कल के आर्क का, वो 360 होता है, तो सेमी सर्कल का 180 होगा। अगर ये 180 है तो इसका आधा x कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऐसा भी समझ सकते हो, तो आपकी इच्छा जैसे याद रखना है, ये थ्योरम से याद रखना है, ये रखो ये रखोगे तो अच्छे से कंफर्म होगा। और दूसरा तो याद ही रखना है कोई भी एंगल डायमीटर में सर्कल के ऊपर जो सबस्टेंड किया होता है या सेमी सर्कल ने जो एंगल इंस्क्राइब किया होता है वो हमेशा 90 होता है, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। कोई भी ले लो, आप यहां से पॉइंट लो, ज्वाइन कर दो कोई भी ऐसे ऐसे, ये भी 90 होगा, क्लियर है, समझ में आया। तो एज ऑब्वियस फिर हम ग्राफ जो हमारा गिवन फिगर है उस पर देख कर बता सकते हैं जो ये एंगल पी आने वाला है ये 90 डिग्री रहेगा ना, हाँ कि ना, मतलब ये जो ट्राइंगल है क्यू पी आर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, बस लिखना शुरू कर दो। फ्रॉम फिगर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इन ट्राइंगल क्यू पी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं बताऊं हाइपोटेनस कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, इस ट्रायंगल में क्यू और आर हो जाएगी हाइपोटेनस, तो क्यू आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स का सम, तो पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, बताओ पी पी आर कितना है 7 है, क्यू आर आपको कितना दिया है देखो 24 उसका स्क्वायर, सही है, ये कितना आएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है
576 होता है, राइट। इन दोनों एडिशन कर लो कितना होगा, ये 625 है ना क्यू आर स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या आएगा फिर बताओ। अगर मैं स्क्वायर रूट लू यहां पर ऐसा, तो क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा क्यू आर, और 625 का स्क्वायर रूट होगा 25। तो क्यू आर की जो लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर, सही है। क्यू आर क्या है आपका फ्रॉम फिगर, डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा 25 का हाफ, सही है ना। देयरफॉर करके ब्रैकेट करके बढ़िया से लिख लो, सिंपल है ये, टू क्लियर। अब रेडियस मिल चुका है, बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे। अभी बताया पूरे सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, शेडेड रीजन आ जाएगा। अकीना चलो बनाओ फिर फटाफट। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, या क्यू पी आर लिख दो, जैसे नाम लिखना हो लिख दो, क्यू पी आर लिख दो आपकी इच्छा, लिखो फिर बटाओ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सही है। चलो लगाओ फिर फटाफट, हाफ ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, एक्सरसाइज में दिया गया बाय डिफॉल्ट, और अगर दूसरा कोई दिया है 3.14 तो वैसा लेंगे, बट अभी तो हमको 22/7 ही लेना है। रेडियस, रेडियस कितना है 25/2 इंटू 25/2 प्लस हाफ ऑफ। अब बेस और हाइट कैसे डिसाइड करोगे, जहां 90 डिग्री बनता है वो आ गया आपका बेस, राइट। तो ये बेस हुआ और ये हाइट हुई। वैसे देखा जाए तो हमको डायमीटर सिर्फ रेडियस निकालने के ही काम में आया, ठीक है, बस बेस होगा 7 और हाइट होगी 24। ये तो पता है ना, ऐसा अगर मैं ड्रॉ करूं राइट एंगल ट्राइंगल तो एक बेस रहेगा और एक हाइट रहेगा, सही है, तो 24 और 7 ही आएगा। चलो फिर लिख दो, बेस है आपका 7 और हाइट है 24, बस आप करो सॉल्व, 2 2 11 आ जाएगा, राइट। तो नीचे क्या होगा, देखो नीचे क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 11 इंटू 25 इंटू 25, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 7 2, हम ऐसा कर देते इसको 2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस, यहाँ क्या आएगा देखो, ये 2 1 2 2 12 24 7, क्लियर है। बस आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करते रह जाना है इसको, पहले 25 का स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा 625, 4 इंटू 7 प्लस 12 7 84, सही है। हो सके तो यही कट कर दो, 84 ऐड करना इजी हो जाए, नहीं तो अगर क्रॉस करोगे तो कैलकुलेशन लेंदी होगी, ठीक है, हम तो रिड्यूस करने पे आ रहे हैं। 11 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 11 5 55 कैरी 5, 11 2 22 प्लस 5 27 कैरी 2 प्लस 2 68 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 84, राइट, ये चलेगा आपका आंसर। मतलब 4 से डिवाइड करो फिर 7 से डिवाइड करो, पहले 7 से कर दो, अगर आपको ना समझ में आए तो प्रॉपरली करना चाहिए, ये तो वैसे देखा जाए तो आपके जिम्मे है सॉल्व करना, पर फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। बताओ कितना आएगा, 7 9 63 5 आएगा, ये 7 नीचे आ गया, इसके लिए करेंगे ना, 7 8 56 फिर 15 आया, 7 2 14 फिर 1 आया, फिर डेसिमल देंगे ना आप, फिर 0 आया, 7 1 7 या 1 लिखोगे,
ये 3 आएगा, एक 0 आ जाएगा। अब तो रैंडमली हमेशा हर स्टेप में एक एक 0 आता है, क्योंकि आप डेसिमल ले चुके हो, दो चाहिए तो फिर 0 का देना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 7 4 फिर 2 आएगा, कम 2 डिजिट तक ही करते हैं फिर अभी। सही है, चाहो तो एक डिजिट और कर लो क्योंकि आप 4 से डिवाइड करने वाले हो। तो चलो 2 आ गया, एक और 0, 7 2 आएगा ना, बस इतना रह जाएगा। तो 4 से डिवाइड करने के बाद, ये डिवाइड करने के बाद क्या बच गया, 982.142 अपॉन, सॉरी 4 रहेगा, 7 से डिवाइड किया ना, अपॉन 4 रह जाएगा, प्लस 84। चलो अब इसको डिवाइड करो, रूट ऑफ रूट में, सॉरी 982.142 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, 18 आ गया। सही है, ऐसा चल रहा है, बताओ फिर 18 देना है, 4 4 16, फिर यहाँ 2 आ गया, 4 5 20, 2.142 आया। अब 4 को दे सकते हो क्या, आप बताओ, फिर डेसिमल दो गया, मतलब ऐसा समझना है डेसिमल है ही नहीं, ऐसा समझना है डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, आप समझो कि यहाँ डेसिमल है ही नहीं। यहाँ आपका कितना है, 2 ही है, ठीक है, डेसिमल है ही नहीं, बाद में डेसिमल देंगे ना। सही है, तो हम दो तीन बार, दो तीन आगे तक कर लेते हैं, फिर डेसिमल दे देंगे, थोड़ा सा एग्जैक्ट हमको आंसर मिल जाएगा। वैसे तो हमने ये 2 भी नहीं लेना चाहिए, चलो इतना ही लेते हैं, 2 भी नहीं लेंगे, ये 2 तक ही लाएंगे, उतना ही खत्म करेंगे, एक अप्रोक्सीमेट आंसर ही चाहिए आपको। तो कितना आएगा, फिर से 4 5 20 और फिर 4 2 12, 4 3 12 आने वाला है यहाँ, क्लियर है। जो अब नीचे कुछ भी आया, हमने एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लिया है, 2 5 2 4 5 5 2, और 3 के बाद डिजिट देना है ना, हाँ ना, तो कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा इस केस में, क्योंकि ये देखो 2 के बाद देना सर, 2 के बाद देना, प्लस 84, बस ऐड कर लो, अब कितना आएगा, 4 प्लस 5 9, ये तो ऐसे रहेगा, और फिर 8 4 प्लस 24, 8 प्लस 24 32, तो 329.52, बस आंसर तो सही है हमारा, है ना। अब मुझको बताइए एरिया था, लेंथ किस में दी गई थी आपको, सेंटीमीटर्स में, तो एरिया क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बस आप लास्ट में आंसर वाला लाइन हमेशा हम लिखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 329.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉपरली ब्रैकेट करना है जिससे चेक करने के लिए इजी हो जाए इवेल्यूएट, और चाहते तो आप यहां पर भी ब्रैकेट करते एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पर वो ऊपर वाला टर्म लिखना है नीचे, ये वाला टर्म हमने ऊपर लिखा है, ये फिर से नीचे लाकर रखना, ठीक है, लिखना है मैंने यहाँ पर, क्लियर है सबको, आ जाना चाहिए, सिंपल है क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 दिया है हमको, इफ रेडाई ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव कोसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। देखो हमने देखा था कोसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो O है वो दोनों सर्कल का है, ये बिगर सर्कल का भी है, बी सी मतलब बिगर सर्कल, ये स्मॉल सर्कल, ठीक है, इसका भी सेंटर यही है। अब देखो हमको रेडियस दी है, एक की 7 दी है, एक की 14 दी है, मुझको बताओ जो बड़ा रहेगा सर्कल उसकी रेडियस बड़ी रहेगी, हाँ कि ना, तो ओ सी या ओ ए जो होगा वो कितना होगा आपका, ओ सी कितना होगा, गिवन लिख लो उसको, गिवन ओ सी मतलब ये कैपिटल रेडियस आर लिखते हैं क्योंकि बड़ा सर्कल है इसलिए हम उसके लिए कैपिटल आर यूज करते हैं, ठीक है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल की जो रेडियस है उसके लिए हम स्मॉल यूज करेंगे, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। जब भी आपको कोई बड़ा छोटा फिगर दिखे तो
बड़े वाले के लिए सेम फिगर, उसके लिए कैपिटल आर लो, छोटे वाले के लिए स्मॉल आर लो, तो आपको समझ में आएगा बड़ा यानी बड़ा सर्कल, छोटा आर मतलब छोटा सर्कल का रेडियस कैसा। तो ओ डी लिख सकते हो आप, ओ डी छोटे सर्कल के लिए ना, या ओ बी भी लिख सकते हो, ओ बी लिखो, ओ डी लिखो, बड़े सर्कल के लिए ओ सी या ओ ए लिख सकते थे आप। सही है, मतलब मेन आपका ये है। ठीक है, अब मुझको बताओ ये एंगल भी दिया उन्होंने थीटा, दोनों जो सर्कल है जो सेक्टर्स बन रहे हैं उनके लिए एंगल थीटा हमेशा 40 डिग्री है, ये वाला जो एंगल। अब देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए बताओ, कोई बता सकता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन? कुछ नहीं, एरिया ऑफ बिगर बिगर सर्कल सेक्टर, हाँ कि ना, या नाम लिख सकते हो सर्कल ओ सेक्टर ओ ए सी ऐसा लिख सकते हो, और यहां लेकर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बड़ा वाला सेक्टर जो बनने वाला है ना ओ ए सी, उसमें से क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल सेक्टर। ये जो है तो मैं सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं, आप ऐसे लिख देना डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर, बताओ सेक्टर कौन सा आएगा, ओ बी डी छोटा, राइट है ना, समझ में आ रहा है? बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, चलो लेफ्ट हैंड साइड में हम ले ले। हाँ बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी के लिए क्या लगाओगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्यों बड़े सर्कल का है ना इसलिए रेडियस बड़ा ले लिया, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा, थीटा भी दोनों में सेम है इसलिए मैंने थीटा थीटा ही रखा है। सही है, अब बताओ जो सेम है उसको कॉमन ले लो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, दोनों में थीटा अपॉन 360 कॉमन है इसलिए मैंने थीटा अपॉन 360 और पाई कॉमन है वो बाहर ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। अब थीटा कितना दिया आपको, 40 डिग्री अपॉन 360, पाई स्पेशली नहीं दिया हो तो हमको तो 22/7 ही लेना है, दिया है कि कुछ पाई स्पेशली नहीं दिया है, तो बस 22/7 ही लेना है, कैपिटल आर है 14 उसका स्क्वायर, स्मॉल आर है आपको दिया हुआ 7 ऊपर दिया है ना, बस सॉल्व करना शुरू कर दो, 4 9 36 ये आएगा 1/9 इंटू 22/7, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, समझ रहे हो, ये 1/9 यहां से तो कुछ कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही रहना, शायद आगे कुछ कट जाए, तो बताओ 196 और 49 में सब्सट्रैक्शन निकालो, 16 माइनस 9 7, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा 147, सही है ना, 7 वन 7 7 20 वन जा कट रहा है, अब 3 3 9 3 7 21 क्या बच गया, 22 इंटू 21/3 बस मल्टीप्लाई कर लो 22 से, 21 वन 21 कैरी 2 22 44 प्लस 2 46/3, अब 3 से डिवाइड करो, ना समझ में आया इसलिए एग्जैक्ट आया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, फिर बच्चों को दिक्कत होती है, डायरेक्ट भी कट कर सकते हो वैसे तो आप, क्या आएगा 3 1 3 3 5 15 फिर 1 1 ये एक एक नीचे ले रहे हैं, फिर 3 3 9 2 आ जाएगा, डेसिमल दोगे 0 आ जाएगा, 3 6 18 2 आ जाएगा, बस ये 6 6 चलने वाला है, बार रख सकते हो कितना आ जाएगा, 153.6 bar विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हाँ कि ना, कुछ नहीं करा है जो दिया है वही ले आया हम, ये बड़े सेक्टर में से आप क्या करते थे, देखो ये बड़ा सेक्टर था आपका, देखो सही है, उसमें से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दो ये वाला, तो ये एरिया आने वाला था ना,
बस यही हमने लगा, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, मतलब स्मॉलर सर्कल का सेक्टर ऐसा लेना पड़ेगा विथ एंगल 40 डिग्री। सही है, तो बस सिंपल है। ना समझ में आया वीडियो फिर से देख सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या पूछा गया है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। फिगर में शेडेड रीजन ये वाला एरिया, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14। अब सीधी बात है, अगर आपका ये साइड है, ये टोटल 14 है, तो इसका हाफ कितना होगा बताओ, 7 होगा। अगर मैंने एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी लिया तो हाफ होगा, सही है। और एज ऑब्वियस ये जो दोनों सर्कल है इनका रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि ए डी डायमीटर है, बी सी डायमीटर है दोनों सर्कल के। अगर डायमीटर इक्वल होता है तो रेडियस भी इक्वल होता है, तो इस फर्स्ट वाला सर्कल और सेकंड वाला सर्कल दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो सेम होगा, सही है। तो बताओ अगर हम उसको शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, उसमें से एरिया ऑफ दिस सर्कल सेमी सर्कल 1 एंड 2 मिला के सर्कल बन जाएगा, है ना। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी में से एरिया ऑफ दिस सर्कल विथ रेडियस 7 माइनस कर देंगे, मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। तो बस गिवन लिख लेना, गिवन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, कितना आएगा आपका 14। रेडियस लेट आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, वो लिख लेना, रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर, आखी ना। बस देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मतलब स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7, हाकी ना, सिंपल है, बस कुछ नहीं करें हम। बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर, हाकी ना। तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, चलो मैं यहां पे ऐसे साइड स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर साइड स्क्वायर हो गया माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, चलो रखो वैल्यू, साइड कितनी है स्क्वायर की 14 माइनस पाई है 22/7, रेडियस दिया आपको 7, तो 7 स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर, ये 7 7 कैंसिल हो चुका है, 14 का स्क्वायर आएगा 196 माइनस 22 × 7 कितना होगा 154, सही है। ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस लिख लेना, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉपरली बढ़िया से ब्रैकेट निकालोगे तो अच्छा लगेगा, हर बार ब्रैकेट निकालना है आंसर के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखना है ब्रैकेट बनाना है। दूसरा ले लेंगे सर, बस और क्या, सिंपल है। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन दिया उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया आपको, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। तो वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां से इतना तो समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब एंगल्स जो होंगे सारे वो 60 डिग्री होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, सही है, सही है। ये आ गया आपका 60 डिग्री एंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं इसको प्रॉपर ऐसा कनेक्ट करें हम थोड़ा ढंग से बना लेंगे,
ठीक है, ये जो सर्कल, बस ये सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड करोगे, बट क्या होगा, ये जो सेक्टर है वो दो बार गिना जाएगा, हाँ कि ना? देखो, अगर रफली मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, एक सर्कल बनाया, फिर ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया अगर ऐड कर दो, ठीक है, तो हम कह रहे हैं शेडेड रीजन बन सकता है, बट अगर इसको इसके ऊपर उठा के रख दो, तो ये वाला जो होगा सेक्टर का एरिया, वो एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि आपने उसको सर्कल में भी गिना है और उसको आपने सर्कल में भी गिना है, तो एक बार माइनस कर दो, क्लियर? या तो ऐसा मानो, इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो, उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस करो, तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऐड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बन जाएगा, आपकी इच्छा है। सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्लियर है? तो चलिए फिर लिखेंगे, देयरफॉर देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सही है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्लियर है? अब रेडियस तो गिवन ही है आपको, गिवन में लिख लेना यहाँ पर, रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, साइड ए बी साइड जो दी है वो 12 सेंटीमीटर दी है, हाँ कि ना? बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्या था बताओ, याद करो कुछ, √3/4 साइड स्क्वायर था क्या, सोचो, तब तक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ इट इज, एरिया ऑफ क्या रहता है, √3/2 होता है कि 4 होता है, √3/2 होता है, साइड साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और ये गलत समझ में आ रहा है, साइड लिख के क्लियर, साइड स्क्वायर। अब साइड कौन सी है, कोई भी एक साइड ले लो ए बी, है ना? अब देखो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो उसको कॉमन लेते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी आ जाए, थीटा अपॉन 360 प्लस √3/2, साइड कितना है आपका 12, तो 12 स्क्वायर आने वाला है ना? बस अब सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, पाई का वैल्यू रखो, फिर थोड़ा इधर ले लो लेफ्ट में, आप इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू लिखना चाहिए, ठीक है, जब भी एग्जाम में लिखो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखो, पाई है 22/7, रेडियस कितना है आपका, देखो कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा ये, मतलब 6 × 6 1 माइनस थीटा कितना दिया है आपको, अभी हमने लिखा है 60 प्लस √3/2 इंटू, ये 2 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 6 जा, है ना, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, फिर ये कितना आ जाएगा, √3 × 6 × 12, √3 की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी, तो चाहो तो 1.7 ले सकते हो, या तो √3 को वैसे ही रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, या 22/7 × 6 × 6 इन ब्रैकेट 1 − 1/6 प्लस √3 इंटू, ये कितना होगा, 72, सही है? चलो फिर 22/7 × 6 × 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 6 − 1/6 आएगा, क्लियर है? या √3 × 72, हम अभी तक नहीं कर रहे, √3 के फॉर्म में ही रख देंगे, 1 6 नीचे से कटेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्या बन जाएगा फिर, 22/7 × 6 × ये कितना आने वाला है, 5 प्लस √3 × 72, क्लियर है? अब चाहो तो और आगे कैलकुलेशन कर लो, इसको अप्रोक्सीमेटली लिखते ना, हम अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं ना, 3.14 × 6 × 5 प्लस 72 √3, ऐसा लिखते हैं हमेशा, जो रूट की टर्म होती है बाद में लिखते हैं, नंबर वेरिएबल हो तो पहले लिखो, बस मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 5 = 30, देखो मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, इसलिए आप चाहते हो तो बीच में स्टेप्स रिड्यूस कर देना चाहिए, सब बच्चों को समझ में आए इसलिए। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 0 एडजस्ट कर लूंगा, 3 × 4 = 12, कैरी 1, 3 × 3 = 1 और
एक 4 आ जाएगा, 3 3 12 सही है। और बताओ डेसिमल का दो, एक के बाद देना पड़ेगा क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 0 10 है ना, तो डेसिमल यहाँ ना देते हुए हम यहाँ देते। ये आएगा 1 2 क्या था आपका, यहाँ आएगा ये प्लस 72 √3, चाहो तो √3 की वैल्यू रखो और एग्जैक्ट आंसर सॉल्व करो। तो ये आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना है, 72 × 1.7 निकालो, इसमें ऐड करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है। और आंसर भी लिखना है आपको वर्डिंग में, Therefore, the area of shaded region is, clear है? सारा मैं करूंगा, आप भी तो थोड़ा करो, बस मल्टीप्लाई करना है यार, इतना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, देखो देखकर समझ में तो आ रहा है, एक सर्कल है और ये क्वाड्रेंट्स है, तो ये चार क्वाड्रेंट्स मिलके एक सर्कल हो जाएगा, ऐसे टोटल 2 सर्कल का एरिया अगर आप पूरे स्क्वायर में से, मोस्ट प्रोबेबली स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर में से माइनस कर दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा आपको ये वाला एरिया, है ना, सिंपल है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर है उसका आपको साइड दिया गया है 4 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 1 सेंटीमीटर के आपके क्वाड्रेंट्स कट किए कॉर्नर से, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा इस छोटे सर्कल का जो क्वाड्रेंट से बना हुआ होगा वो 1 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 मतलब फिर से रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मतलब एक ही है ना, इज कट एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, सिंपल है, कुछ नहीं आप लिखेंगे, गिवन क्या आपको, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, राइट, रेडियस ऑफ सर्कल्स क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, डायरेक्टली आर लेंगे या यहां लिखना, फिर आपको लिखना है लेट आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर कैरी एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पार्ट ऑफ द कट होने के बाद में जो रहेगा, है ना, पूरा जैसा लिखना है आपको लिखो, ये आपकी जिम्मेदारी, जो पूछा है वो लिखना चाहिए, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज, ऐसा लिख देना, क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, सही है ना, बस लगा लो आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स क्या होता है स्क्वायर, साइड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, बस वैल्यू तो रखो, साइड दी है 4 उसका स्क्वायर माइनस 2 × ये आएगा 22/7, रेडियस कितनी दी आपको 1 1 × 1, सिंपल है, ये आएगा 16 माइनस 2 × 22, ये 1 × 1 तो 1 ही होने वाला है, अपॉन 7 रहेगा। अब वैसे भी अगर मैं यहाँ काटपीट भी करूँ तो एक ही आने वाला है, 3.14 ही अप्रोक्सीमेट लेंगे ना इसका, बस अब सॉल्व करो फिर, 60 माइनस ये कितना आएगा 6.28, टू से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्सट्रैक्शन कर लो कितना आएगा, फिर 10 10 में से 0.28 माइनस कर लेना तो आएगा 72 9.72, सही है ना, बस ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर आफ्टर कटिंग दिस पोर्शन क्वाड्रेंट्स फ्रॉम द कॉर्नर एंड अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर, क्लियर है, बस ये मिल जाएगा आपको। यहां आपको हमेशा लिखना है एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ पार्ट या रीजन ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी आफ्टर कटिंग, अब एक लाइन में लिखना है आफ्टर, में स्ट्रेट लिखा आफ्टर कटिंग 4 क्वाड्रेंट्स एंड 1 सर्कल,
ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज, ऐसा मत लिखना, एक लाइन में लिखना, कितना आया है आपका? 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट बना लेना, क्लियर है?